इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है बलौदा बाजार से, जहां भाजपा पार्षद की गुंडागर्दी से पीड़ित महिला ने शिवसेना के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर धरना देकर न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें कि मामला सिमगा थाने का है, जहां 22 अगस्त को बीच बाजार में पार्षद सूर्यकांत तामरकार ने अपने समर्थकों के साथ महिला और उसकी बेटी के साथ मारपीट की थी। घटना के 6 दिनों के बाद भी पुलिस ने अभी तक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है, जिसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर महिला ने धरना दिया है। बलौदा से ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम मिटी न्यूज। सिमगा नगर में महिला के साथ में भाजपा पार्षद के द्वारा जो है मारपीट और बाल बाल खींच करके लहूलुहान करे गए हैं, जेकर संबंध में सिमगा थाना में FIR भी दर्ज हो है। एक आरोपी मात्र वहां पे गिरफ्तार करे गए, दूसरा आरोपी जो पार्षद है भाजपा के वो भी फरार है भाई। ओकरे गिरफ्तारी की मांग लेके हम अभी माननीय मतलब SP साहब ला हम ज्ञापन अभी दे हन और ओकर से चर्चा भी करत हन और धरना में भी बैठे हुए हैं कि ओकर गिरफ्तारी किया जाए। सेना की शरण में SP ऑफिस कार्यालय में बैठे हैं। हमारी मांग ये है कि जो सिमगा का पार्षद है, BJP का पार्षद है सूर्यकांत ताम्रकार, उसको अंदर नहीं किया जा रहा है, उसको पुलिस की शरण मिल रही है, नेताओं का शरण मिल रहा है। सर, मैंने FIR दर्ज कराया है 22 तारीख के मामले को लेकर कि मेरे ऊपर हमला हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है, मेरी और मेरी बेटी को घसीट घसीट कर मारा गया, हमें लहूलुहान किया गया है। इस बात की जानकारी हमने पुलिस थाना में दी है, लेकिन वहाँ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, इसलिए हमने शिवसेना का शरण लिया है और उसी बात की मांग को यहाँ रखा गया है। इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम सूर्यकांत को पकड़ रहे हैं, लेकिन जब तक वो सूर्यकांत को नहीं पकड़ के लाएंगे हम यहाँ से नहीं हटेंगे, हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं सीमा देवांगन, निवासी सिमगा।